Robomate Plus, India's largest curriculum-based study app. Download the app now. नमस्कार विद्यार्थियों, आइए बच्चों, समय गंवाते न हुए हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। कहानी क्या है कि चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। चिट्ठी कहाँ पहुंची? केनिया से हिंदुस्तान। यानी पिता ने लिखा कि भाई हाँ ठीक है, इस समय तो नहीं लेकिन अगले वर्ष जब तनु का ब्याह होगा तो वो अवश्य हिंदुस्तान आएगा। सब लोग बहुत खुश हो गए। योग्य वर तो यहां भी मिल सकते हैं पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, वहीं वर की खोज करना। उसने अपनी पत्नी को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी अफ्रीका में हो, आप उसकी शादी हिंदुस्तान में ही करना। दहेज की चिंता न करना, पैसे की चिंता न करना, उसके लिए मैं हूं, सिर्फ आप एक अच्छे वर की तलाश करना। ठीक है भाई, बात हो गई। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है? वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई, आसानी से खाता पिता घर मिल गया। बच्चों ये खाता पिता शब्द का अर्थ होता है पैसे वाला। बहुत ज्यादा तलाश करने की जरूरत न हुई, कुछ ही दिनों में एक बड़े अच्छे खानदान में तनु का रिश्ता तय हो गया। अब देखिए आगे, शायद इतना अच्छा घराना न मिलता लेकिन इस भरम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है सब सहज हो गया। मतलब सोना बटोरना इसका अर्थ होता है अच्छा कमाना। अब बच्चों स्थिति यह हुई कि शायद उसको इतना अच्छा घर नहीं मिलता लेकिन ये जो अफवाह थी ना, ये जो समाचार था ना कि लड़की के पिता विदेश में हैं और खूब पैसे कमाते हैं, शादी फटाफट तय हो गई। किसके लालच में? दहेज के लालच में। लड़के वालों के मन में ये लालच आया कि लड़की के पिता जब विदेश में है तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा। अब स्थिति क्या बनी? शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवाकर वह साथ लाएगा लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। अब स्थिति क्या बनी? शादी की तारीख निश्चित हो गई। पिता को खबर दिया गया, उनका जवाब भी आया कि वो समय पर पहुंच रहे हैं, गहने कपड़े सब बनवाकर वो साथ लाएंगे। लेकिन फिर देखिए विधि का विधान कि ऐन मौके पर कुछ ऐसी तकलीफ आन पड़ी कि पिता शादी में उपस्थित नहीं हो पाए। तब स्थिति क्या बनी? विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है, ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। विवशताओं, बच्चों विवशताओं का अर्थ होता है मजबूरियों। पत्र क्या आया? पत्र आया, मजबूरी से भरा एक पत्र आया कि उसने जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की स्ट्राइक हो गई है, हड़ताल हो गई है, इसलिए ऐसे समय पर वो नहीं आ सकता। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं, वर वधु के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। भले पिता नहीं आ पाए लेकिन गहने कपड़े उन्होंने सब कुछ भिजवा दिया और रिक्वेस्ट भी की कि वर वधु का एक चित्र उन्हें जरूर भेजा जाए। आगे चलते हैं कहानी में। खैर ब्याह हो गया धूमधाम के साथ, विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हो गई। पिताजी को
सारे चित्र भेज दिए गए, वो भी बहुत खुश हुए। अब देखिए इधर कहानी में क्या है कि अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते, हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, खेलों में भी पहला, बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना न भूले। बच्चों देखिए कि इधर कहानी में क्या हो रहा है कि अज्जू इस साल 10th की परीक्षा उसने दी, हाई स्कूल दी, यानी ऐसा चिट्ठी आते जाते 4 वर्ष गुजर गए। इस साल वो प्रथम आया है जिले में, इसके साथ खेलों में भी वो पहला आया है, उसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, उसे स्कॉलरशिप मिला, और ये सारे चीजों के फोटो वो अपने पिता को भेजना नहीं भूला। आगे चलते बच्चों, बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्मस्पर्शी मतलब होता है बच्चों दिल को छू लेने वाला। गिफ्ट का आया, बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट किया, गिफ्ट आया, गरम सूट का कपड़ा आया, कीमती कैमरा आया और साथ में एक दिल को छू लेने वाला पत्र आया। और पत्र में क्या था वो भी देखते हैं। लिखा था कि वो बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा, यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है। अब उस मर्मस्पर्शी पत्र में क्या लिखा था बच्चों, लिखा था कि वो इसी उम्मीद में तो जी रहा है कि बच्चे मां बाप का नाम रोशन करें, वो मेहनत इसलिए कर रहा है नैरोबी में कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, और ये जो सारा कारोबार उसने फैलाया है ये किसके लिए है, सब बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते बच्चों, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता, हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका जाना स्थगित हो जाता। अड़चने का मतलब होता है बाधा, यानी रुकावटें। स्थगित होना बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोन, हिंदी में कहते हैं मुलतवी। सारे वादे हुए, सारे चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन न ये परिवार नैरोबी जा पा रहा है और न नैरोबी से पिता आ पा रहे, मतलब दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं बच्चों, पांव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। अबाध जिसकी कोई बाधा ना हो, अर्थात बिना रुकावट। बच्चों ने अब थक हार कर, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, अब बच्चों ने भी थक हार कर कहा कि पिताजी अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो एक काम करते कि हम सब अफ्रीका जाते हैं, कुछ वर्ष हम साथ गुजारेंगे। क्या बच्चे अफ्रीका जा पाए, क्या पिता हिंदुस्तान आए, ये सारी बातों को हम अपने अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस मॉड्यूल में इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching this video lecture. To watch more such interesting videos, attempt tests and to get instant analysis, download the Robomate Plus app now.